Bruce, just look right into the camera lens right here and tell us your name, your age, and where you were born. My last name is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. I'm 24 right now. And you worked in motion pictures in Hong Kong? Yes, since I was around 6 years old. And when did you leave Hong Kong? 1959, when I was 18. Bruce Lee. महज 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाला ये शख्स इतने सालों बाद भी हमारे जहन में जिंदा है। ब्रूस ली ने इतनी सी उम्र में ही मार्शल आर्ट की दुनिया में ट्रेनिंग स्टाइल में और एक्शन फिल्मों में रेवोल्यूशन ला दिया। वैसे तो बच्चा बच्चा ब्रूस ली का नाम जानता है, पर बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे ब्रूस ली का असली नाम ली जुन-फान। 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए ली का असली नाम ली जुन-फान था। जब ये पैदा हुए थे तो हॉस्पिटल की नर्स ने इन्हें ब्रूस नाम दिया था, जो कि एक अमरीकी नाम था जिसे इनके पिता ने यूज नहीं करा। अगर चाइनीज जोडियक यानी चीनी राशि के हिसाब से देखें तो ब्रूस के जन्म का घंटा और साल दोनों ड्रैगन के थे, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये श्रापित पैदा हुए थे, जिस कारण छोटी उम्र में ही इनकी मौत हो जानी थी। इसी श्राप से बचाने के लिए उपाय के तौर पर बचपन में इन्हें साइफोन कहकर पुकारा जाता था, जिसका मतलब था लिटिल फीनिक्स, जो कि एक लड़की का नाम था और इन्हें कपड़े भी लड़कियों के ही पहनाए जाते थे। खैर, ये 5 भाई बहन थे। इनके पिता ली होई चुएन चाइनीज ओपेरा एक्टर थे, बड़े भाई पीटर ली मेटेरियोलॉजिस्ट थे यानी मौसम वैज्ञानिक, ये फेंसिंग में भी एक्सपर्ट थे, और छोटे भाई रॉबर्ट ली म्यूजिशियन थे। ली जब 3 महीने के थे तब इनका परिवार वापस हांगकांग आ गया और इनका बचपन हांगकांग में ही गुजरा। क्योंकि ली के पिता एक एक्टर थे, इसलिए इन्हें बचपन से ही फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया था, और इनका स्क्रीन नेम ली सुन ल्यूंग था, जिसका मतलब था लिटिल ड्रैगन। ली ने पहली बार गोल्डन गेट गर्ल नाम की फिल्म में एज अ बेबी आर्टिस्ट काम करा, तब ये सिर्फ 3 या 4 महीने के थे। 6 साल की उम्र में इन्हें पहली बार डायलॉग मिला, फिर 9 साल की उम्र में ली ने अपने पिता के साथ द किड नाम की मूवी में काम किया, और 18 साल की उम्र तक ये 20 मूवीज में काम कर चुके थे। ली के मार्शल आर्ट करियर की शुरुआत भी बहुत छोटी उम्र से ही हो गई थी, और इनके पहले गुरु इनके पिता ही थे। 4-5 साल की उम्र से ही इनके पिता ने इन्हें ताई ची चौन सिखाना शुरू करा, पर ली का कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। 11 साल की उम्र में ली ने अपने बड़े भाई पीटर से फेंसिंग भी सीखी, ली ने डांस भी सीखा और हांगकांग में चाचा चैंपियनशिप भी जीती। ली बचपन से ही स्ट्रीट फाइट्स में इन्वॉल्व रहा करते थे, और ऐसा कहा जाता है कि महज 13 साल की उम्र में इन्होंने एक स्ट्रीट गैंग को भी ज्वाइन करा था। एक बार एक फाइट में अपने विरोधी से हारने के बाद ली का मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट पैदा हुआ, और 14 या 16 साल की उम्र में इन्होंने द ग्रेट मास्टर इपमैन के अंडर ट्रेनिंग लेना शुरू करा। ट्रेनिंग के 1 साल बाद ही इन्होंने इपमैन से पर्सनल ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। ली का पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बहुत कम था। सन 1956 में खराब एकेडमिक परफॉर्मेंस और खराब व्यवहार की वजह से इन्हें सेंट फ्रांसिस जेवियर्स कॉलेज में ट्रांसफर करा गया, जहां इन्होंने वहां के बॉक्सिंग कोच ब्रदर एडवर्ड से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली, और 1958 हांगकांग स्कूल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में वहां के चैंपियन को हराया। अप्रैल 1959 में ली एक और फाइट में इन्वॉल्व हुए। इस बार मामला पुलिस तक पहुंच गया, और इस लफड़े से बचाने के लिए इनके पिता ने इन्हें यूएस भेजने का डिसीजन लिया, और इन्हें इनका अमरीकी नाम दिया ब्रूस। शुरू में ब्रूस सैन फ्रांसिस्को गए और अपनी बड़ी बहन के साथ रहने लगे। कुछ महीनों बाद ये सिएटल चले गए, कॉलेज में एडमिशन लिया और अपने फैमिली फ्रेंड रूबी चाओ के रेस्टोरेंट में एज अ वेटर काम किया। फिर कुछ समय बाद कॉलेज में ही इन्होंने अपने कुछ दोस्तों को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू करा। उस वक्त ये अपनी आर्ट को जिन्फा गंगफू कहते थे, यानी ब्रूस ली का कुंगफू, और कहते हैं कि तभी अपने दोस्तों से सिखाने का कुछ भी चार्ज नहीं करते थे। फिर बाद में अपने दोस्तों के कहने पर इन्होंने सिएटल में ही अपना पहला मार्शल आर्ट स्कूल खोला और चार्ज भी करना शुरू करा, जिसका नाम था ली जिन्फा गंगफू इंस्टीट्यूट। उस वक्त अमेरिका में कुंगफू स्कूल खोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। दिसंबर 1960 में ब्रूस ली ने हाई स्कूल कंप्लीट करा, मार्च 1961 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एनरोल करा,
जहां 1963 में इनकी मुलाकात लिंडा एमरी से हुई। लिंडा ने ब्रूस से मार्शल आर्ट सीखना शुरू करा और 17 अगस्त 1964 को दोनों ने शादी कर ली। ये शादी भी आसान नहीं थी, उस वक्त रेसिज्म बहुत था, सोसाइटी और लिंडा के पेरेंट्स सब इस शादी के खिलाफ थे। खैर, शादी के बाद 1964 में ही ये सिएटल छोड़कर ऑकलैंड शिफ्ट हो गए। वहां उस वक्त के फेमस मार्शल आर्टिस्ट जेम्स यिन ली के साथ इन्होंने अपना दूसरा स्कूल खोला, जिसका नाम जुन-फान मार्शल आर्ट्स स्टूडियो रखा। 1964 में ही कुछ चाइनीज मार्शल आर्टिस्टों ने ब्रूस ली से कहा कि वो अपनी ये कला हमारा मजाक बनाने वाले अमरीकी या नॉन चाइनीज को ना सिखाएं। ब्रूस ली ने मना करा तो उन्होंने ब्रूस ली को फाइट के लिए चैलेंज करा। इस फाइट में ब्रूस ली के सामने थे वांग जैकमैन, ये ताइची चुआन और नॉर्दर्न शाओलिन के जिंगजी क्वान में एक्सपर्ट थे। इस चैलेंज की शर्त यह थी कि अगर ब्रूस ली हार गए तो उन्हें अपना स्कूल बंद करना पड़ेगा और अगर जीत गए तो आजाद हैं, किसी को भी सिखाएं। यह फाइट भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, किसी और वीडियो में इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। इन द एंड ब्रूस जीत गए। 1964 में ही जेम्स के थ्रू ब्रूस ली की मुलाकात एड पार्कर से हुई, जिन्हें फादर ऑफ अमेरिकन कैंपो भी कहा जाता है। ये लॉन्ग बीच इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर भी थे। इन्होंने ब्रूस ली को डेमोंस्ट्रेशन के लिए अपनी चैंपियनशिप में इनवाइट करा। यही वो जगह थी जहां ब्रूस ली ने अपना वर्ल्ड फेमस फिंगर पुशअप और 1-inch punch को परफॉर्म करा। इस बारे में भी डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। इसी चैंपियनशिप में ब्रूस ली की मुलाकात ताइक्वांडो के मास्टर जुनगुरी से हुई। कहते हैं कि जुनगुरी ने ही ब्रूस ली की फेमस साइड किक को इतना इफेक्टिव बनाया और ब्रूस ली ने री को नॉन टेलीग्राफिक पंच सिखाए। इसी चैंपियनशिप में ही ब्रूस ली की मुलाकात चक नॉरिस से भी हुई। ब्रूस ली का ये डेमोंस्ट्रेशन सेलिब्रिटीज हेयर स्टाइलिश जे सेबरिंग ने भी देखा। ये ब्रूस ली के स्किल्स से बहुत इंप्रेस हुए। इन स्किल्स के बारे में इन्होंने टेलीविजन प्रोड्यूसर विलियम डोजियर को बताया, जो उस वक्त अपने नए प्रोजेक्ट नंबर 1 सन पर काम कर रहे थे। डोजियर ने ब्रूस ली को इनवाइट किया, स्क्रीन टेस्ट भी लिया, पर यह शो ही आगे नहीं बढ़ा। 1 फरवरी 1965 को ब्रूस ली के बेटे ब्रेंडन ली का जन्म हुआ। 7 दिन बाद ही ब्रूस ली के फादर का देहांत हो गया। 1966 में विलियम डोजियर ने अपने नए सीरियल द ग्रीन हॉर्नेट में ब्रूस ली को एक साइड रोल दिया। ब्रूस ली उस वक्त के फेमस बैटमैन के भी 3 एपिसोड्स में नजर आए। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी अलग वीडियो में जानेंगे। अनफॉर्चुनेटली द ग्रीन हॉर्नेट ज्यादा नहीं चला, सिर्फ 26 एपिसोड्स ही आए। इसके बाद ब्रूस ली के पास कोई काम नहीं था। इन्होंने फिर अपना एक स्कूल खोला, द जुन-फान गंगफू इंस्टीट्यूट, और इस बार बड़े बड़े सेलिब्रिटी एथलीट्स और प्रोफेशनल ब्लैक बेल्टर्स भी इनसे सीखने आए, और कुछ तो ब्रूस ली से पर्सनल ट्रेनिंग भी लेने लगे। और कहते हैं कि ब्रूस ली उस वक्त $300 पर आर के हिसाब से चार्ज करते थे। इसी दौरान 1967 में ही ब्रूस ली ने जीत कोंडो को डेवलप करना शुरू करा। अब ये क्यों डेवलप करा, कैसे डेवलप करा, ये हम जीत कोंडो की वीडियो में जानेंगे। सन 1967 में ही ब्रूस ली ने लॉन्ग बीच इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में फुल कॉन्टेक्ट स्पारिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा। 1969-70-71 में ब्रूस ली ने कुछ और फिल्म और टीवी सीरीज में छोटे छोटे रोल करे, फाइट कोरियोग्राफर रहे। 19 अप्रैल 1969 को ब्रूस ली की बेटी शेनॉन ली का जन्म हुआ। जनवरी 1970 में ब्रूस ली ने अपने तीनों स्कूल बंद कर दिए और अपने फिल्मी करियर पर ही पूरी तरह कंसंट्रेट करना शुरू करा। 13 अगस्त 1970 को ब्रूस ली ने एक दिन सुबह सुबह बिना वार्म अप के लगभग 57 kg के बारबल को उठाया, जो कि अक्सर किया करते थे, पर इस बार इन्हें लोअर बैक में मेजर इंजरी हो गई। इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट पर रखा गया और इनसे कहा गया कि अब ये कभी कुंग फू नहीं कर पाएंगे और शायद कभी चल भी नहीं पाएंगे। बेशक इतने जोशीले, फुर्तीले और ताकतवर इंसान के लिए हर वक्त बेड पर रहना न सिर्फ पेनफुल था, बल्कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और डिप्रेसिंग भी था। लगभग 6 महीने तक 24 घंटे बेड पर गुजारने के बाद ब्रूस ली ने अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलकर अपना खुद का एक रिकवरी प्रोग्राम बनाया। धीरे धीरे चलना शुरू करा, ट्रेनिंग शुरू करी और खुद को पहले से भी बेहतर बनाया। 1970 में पूरी तरह रिकवर होने के बाद ब्रूस ली वापस हांगकांग आए।
और यहां आकर इन्हें पता लगा कि द ग्रीन हॉर्नेट में इनके कैरेक्टर केटो को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद करा कि हांगकांग में इसे द केटो शो के नाम से जाना जाने लगा। इसी पॉपुलैरिटी की वजह से रेमंड चाओ इन तक पहुंचे। ब्रूस ने गोल्डन हार्वेस्ट के साथ दो फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और सन 1971 में ब्रूस ली की पहली मेन लीड फिल्म रिलीज हुई, द बिग बॉस। इस मूवी ने ब्रूस ली की लाइफ बदल दी। रातों रात ब्रूस ली स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके अगले ही साल ब्रूस ली की दूसरी फिल्म फिस्ट ऑफ फ्यूरी रिलीज हुई और ये बिग बॉस से भी बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद ब्रूस ली ने दोनों फिल्मों के प्रोड्यूसर रेमंड चाओ के साथ मिलकर कॉनकॉर्ड प्रोडक्शन नाम से अपनी खुद की कंपनी बनाई और अपनी तीसरी फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन पर काम शुरू करा। इस फिल्म में ब्रूस न सिर्फ एक्टर बल्कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर और फाइट कोरियोग्राफर भी थे। इसी फिल्म में ब्रूस ली ने अपने दोस्त और स्टूडेंट चक नॉरिस को भी इंट्रोड्यूस करा। इस फिल्म में इन दोनों के फाइट सीन को उस वक्त का वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीन कहा गया। अगस्त 1972 को ब्रूस ली ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट द किम ऑफ डेथ पर काम करना शुरू करा। नवंबर 1972 में ब्रूस ली ने इस फिल्म का प्रोडक्शन रोक दिया क्योंकि उन्हें एंटर द ड्रैगन का ऑफर मिला। ये ऑफर ब्रूस ली के लिए बहुत मायने रखता था क्योंकि ऑफर हॉलीवुड से था। इससे पहले ब्रूस ली हॉलीवुड के लिए बहुत बार ट्राई कर चुके थे पर इनके चाइनीज होने की वजह से कोई इन्हें मेन लीड में साइन नहीं करता था। खैर, एंटर द ड्रैगन की शूटिंग कंप्लीट हुई। 26 जुलाई 1973 को रिलीज डेट रखी गई पर रिलीज से 6 दिन पहले ही ब्रूस ली की डेथ हो गई। इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। बहुत से लोगों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि मार्शल आर्ट का ये लेजेंड दुनिया छोड़ के जा चुका है। ब्रूस ली की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। यह भी लंबी कहानी, इस बारे में भी एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। खैर, एंटर द ड्रैगन उस साल की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने मार्शल आर्ट और फिल्मी दुनिया में आग लगा दी। इसके बाद कुंफू के ऊपर कई मूवीज और सीरियल्स बने जिनमें से कई में तो उन्होंने अपने हीरो को ब्रूस ली की तरह दिखाया, उसी एटीट्यूड में, उसी स्टाइल में, उसी गेटअप में। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट का, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का और मार्शल आर्ट पर बेस्ड फिल्मों का पैटर्न ही बदल दिया, एक नया जॉनरा क्रिएट कर दिया। अपनी सिर्फ 4.5 फिल्मों से ही दुनिया को दीवाना बनाने वाले ब्रूस ली के बारे में और भी बहुत कुछ है जो मेरे लिए इस वीडियो में लगाना पॉसिबल नहीं था। उन बहुत सी बातों को हम एक अलग वीडियो में जानेंगे। ब्रूस ली की डेथ की वजह से ही हमें एक और लिविंग लेजेंड मिला, जैकी चैन। कैसे, ये जानने के लिए आप बने रहिए इवॉल्व पर, और अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए इवॉल्व को और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियां।